हेलो फ्रेंड्स, प्रिया किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाई हूँ चॉकलेट मार्बल केक की रेसिपी। आइए देखिए इसके लिए हमें क्या चाहिए। ये मैंने एक कटोरी और ये आधी कटोरी से थोड़ा सा कम मैदा लिया है। ये एक कटोरी पाउडर शुगर, ये एक कप दूध लिया है मैंने, और ये कोको पाउडर, ये आपको बाज़ार में आसानी से मिल जाएगा। ये मैंने बिना शुगर वाला लिया है, ये एक शुगर वाला आता है, आप अगर वो यूज़ करें तो फिर शक्कर कम डालेंगे केक में। ये हमने एक चम्मच मिक्स फ्रूट एसेंस लिया है और ये एक कप हमारा रिफाइंड है। ठीक, आइए अब हम अपना केक बनाना शुरू करते हैं। अब देखिए, ये हमने एक केक टिन लिया है, इसमें हम पहले अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर देंगे। साइड्स में हम अच्छे से ऑयल लगा देंगे जिससे कि हमारा केक चिपकेगा नहीं। अब ये हमने टिन के साइज का बटर पेपर कट कर लिया, इसको इसमें लगा देंगे। लगा के इसको भी अच्छे से हम ग्रीस कर देंगे जिससे कि हमारा केक कहीं चिपके नहीं। आइए अब हम बैटर बनाते हैं। बैटर बनाने के लिए हम सबसे पहले एक बड़ा बाउल लेंगे, इसमें हम एक कप रिफाइंड डालेंगे। अब इसमें हमने जो एक कप पाउडर शुगर ली थी वो डालेंगे। अब हम इसमें एक कप अपना दूध डाल देंगे, डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें मैदा मिलाएंगे। अब हम थोड़ा थोड़ा मैदा डालकर मिक्स करते रहेंगे। अब इसको हम फिर से अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम थोड़ा मैदा और डालेंगे और इसको मिक्स करेंगे। ये हमारा मिक्स हो गया। अब हम इसमें डालेंगे ये एक 1 टीस्पून और ये 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर डालेंगे। डाल के इसको मिक्स करेंगे। अब इसको हम अच्छी से मिक्स कर लेंगे। अब इसको बेकिंग पाउडर डालने के बाद में इसको अच्छे से मिला लेंगे। अगर आप चाहें तो 1 चम्मच बेकिंग पाउडर और 1/2 चम्मच खाने वाला जो सोडा होता है उसको भी डाल सकते हैं। अब इसके बाद हम इसमें एसेंस डाल देंगे, डाल के मिक्स कर लेंगे। अब हमारे पास जो ये दूसरा बोल है इसमें हम 1/2 बैटर ट्रांसफर कर देंगे। अब हम इसमें जो ये दो जगह हमने ट्रांसफर किया इसमें एक में हम कोको पाउडर मिलाएंगे 4 चम्मच। डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अगर आप चाहें, अगर आपके पास घर में कोको पाउडर नहीं हो तो आप इसमें बॉर्नविटा भी डाल सकते हैं। डाल के इसको अच्छे से फेंट देंगे। अब हम अपना केक डालेंगे। इसको डालने का तरीका आप ध्यान से देखें। इसको डालने के लिए सबसे पहले हम नीचे स्पून की सहायता से 1 चम्मच बैटर फैलाएंगे। अब इसके ऊपर हमें अपना जो चॉकलेट वाला बैटर है उसको फैलाना है।
बैटर में आप हाथ नहीं लगाएंगे, उसको हाथ से नहीं फैलाएंगे, उसको अपने आप फैलने देंगे। अब इसके ऊपर हम फिर से चॉकलेट सिंपल बैटर डालेंगे। अब इसी यही प्रोसेस हम करके ये अपना पूरा बैटर से इस टिन को पोर कर देंगे। अब हमने उसी प्रोसेस को रिपीट करते हुए अपना टिन पूरा फिल कर लिया। अब देखिए इसमें बहुत सावधानी से देखिए इसमें कैसे हम डिज़ाइन बनाते हैं। अपना एक स्पून लेंगे, इसको इस साइड से इस तरह से इसमें हम कर देंगे, लाइनें बना देंगे। आप इसको टूथपिक की सहायता से भी कर सकते हैं। अब ध्यान रखना है कि इसको हमें ज़्यादा हिलाना डुलाना नहीं है। अब इसको मैं 180 डिग्री प्री हीटेड ओवन में 30 मिनट के लिए बेक होने के लिए रखूँगी। देखिए फ्रेंड्स, अब हमारा केक बेक हो गया है। केक हमारा सही से बेक हुआ है या नहीं इसको चेक करने के लिए हम एक नाइफ से इसमें इस तरह से अंदर दबाएंगे और इसको निकाल के देखेंगे। देखिए हमारी नाइफ बिल्कुल सूखी आई है, इसका मतलब केक हमारा अंदर तक अच्छे से पक गया है। अब हम इसकी साइडों में ऐसे धीरे से कट कर लेंगे। इस तरह से एक प्लेट लगा के इसको हम उलट लेंगे। अब हम धीरे से अपना जो ये हमने बटर पेपर लगाया था इसको निकाल देंगे। अब इसको हम हल्के हाथों से पकड़कर इस तरह से टर्न कर लेंगे। अब इसको देखिए हम मैं आपको कट करके दिखाती हूँ ये कितना स्पॉन्जी बना हुआ है। ये देखिए हमारा केक कितना बढ़िया स्पॉन्जी बना है और इसके अंदर कितनी अच्छी सी डिज़ाइन भी आई है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।